व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड आज व्लॉग की स्टार्टिंग ना अपने घर से नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ रिसोर्ट में करेंगे। बाप कहोगे कि भाई एकदम से तू कहाँ चला गया, बट आज हमारा कौन सा ऊंचा फोर्ट, राइट? नहीं नहीं, फिर कौन सा है ऊंचा गांव फोर्ट? हाँ, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ फोर्ट, बिकॉज आप इसे समझोगे कि क्या हम लाइक रूरल प्लेस में आ गए। इट इज़ काइंड ऑफ अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब ऐसे कह लो, बाकी फोर्ट तो आप कह ही सकते हो। बाकी मैं आपको और अपनी ब्यूटी, मतलब अपनी क्या फोर्ट की ब्यूटी दिखाता रहूँगा। निमिश तुम्हारा स्लिम हो रहा है, इसके पेट देखो अंदर गया है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वीडियो। देखो पेट अंदर कर लिए बहुत ही चलाकी से। सो जो यहाँ की हवा है ना यार, वो हमें ग्रेटर नोएडा में अपने फ्लैट से नहीं मिल पाएगी, बिकॉज ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग ही है। सो ये यहाँ का पूरा का नीचे का लुक है। बेसिकली ये पूरा रूरल एरिया है एंड वहीं पे एक बीच में फोर्ट बना। इस कोविड सिचुएशन में आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको घुमा रहा हूँ। अब आज द गाय है टू शो अस द स्विमिंग पूल एंड, लेकिन उन्होंने ना फोर्ट का लुक देने के लिए यहाँ पे एक गुफा सी है। सो ये हमें दिखाएंगे अंकल, बाकी चाचू मेरे साथ हैं। सो दिस इज़ द स्विमिंग पूल ऑफ दिस रिसोर्ट। एज सच कुछ खास तो है नहीं, बट स्टिल लेट्स सी कि अगर हम इसमें लाइक डुबकी मारें। और यहाँ पे लाइक ये अभी डेवलपमेंट में है पूरे ट्रायल रूम, बिकॉज कोविड की वजह से बोल रहे थे कि अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लाइक इन्होंने 14 रूम्स ही ओपन किए हैं, बाकी इनके जितने भी लाइक डीलक्स रूम्स हैं या फिर अलग अलग टाइप के जो रूम्स हैं वो सब क्लोज्ड हैं। वेल की डेप्थ आई नो काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन इतना गहरा, इससे भी लाइक काफ़ी डीप होते हैं, बट ठीक है। आई गेस इन्हें स्विमिंग पूल यहाँ बना लेना चाहिए था, बट काफ़ी ज़्यादा दूर है तो हम शायद ही उसे यूज़ करें। डॉट इस तरह से फिक्स कर दी जाती है ताकि ये ईंट है ना, जैसे कोई लोड पड़े तो ये लोड से गिरे नहीं। अच्छा, इसमें कहीं ना कोई सरिया डलता है ना कोई कंक्रीट पड़े होती है। तो कैसे बनती है लाइक इसके अंदर डाट में ना क्या कहना देता है, ये ईंटों को लगाया जाता है, इसे इस तरह से लगाते हैं ताकि ये आपस में इस तरह से फंस जाए और जब इनके ऊपर लोड पड़े तो ये लोड से गिरे नहीं। अच्छा, जकड़ लेती है अपने आप को। अच्छा, तो एक ऐसी टनल वाली शेप आपको मिल जाती है पूरी। मैंने एक चुटकी बजा दी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा यार पालतू होंगे प्यार करेंगे, बट उल्टा होगा। एकदम प्यारे से खाते रहते हैं। हेलो, देखो गाइस आपको हेलो कहना चाहिए। हाय, परेशान नहीं करना चाहिए। गेट पे लोगो, हाँ एक गेट पे लोगो, हर किले के लिए हर राजा का एक अपना लोगो सिंबल होता था। अच्छा, तो इस किले के जो राजा रहे होंगे उनका सिंबल ये रहा। अच्छा, देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने डॉलर का साइन लगा लिया है एक, और एक बर्ड, इनका अपना अलग साइन। अच्छा, सही यार, ऐसे हिस्ट्री वाले फैक्ट्स, अगर आप अपनी क्लास में हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो आप हमारे ब्लॉग्स में पढ़ सकते हो, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना पड़ेगा। ऐसी हमारे स्कूल में भी होती थी, ऐसे ज़ोर से बजाते थे। छुट्टी हो गई। मेमोरीज, अगर ये ना मिले तो क्या ही है, पर मैं थोड़ी सी पीऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज 21st June एंड आज है फादर्स डे। सो विशिंग माई पापा, चाचू एंड बाबा अ वेरी हैप्पी फादर्स डे, बिकॉज उन्हीं की वजह से हम इस स्टेज पर आए हैं एंड आई थिंक मैं ये व्लॉग बना पा रहा हूँ। सो थैंक्स टू थ्री ऑफ देम एंड ऑल्सो आज लाइक हम थोड़ा बहुत व्यू लेंगे एंड नेक्स्ट वीक और आज शाम में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे बैडमिंटन और इसकी भी फैसिलिटीज़ हैं, अब चाचू और मेरे बीच मैच होगा, लेट्स सी कौन जीतता है। मैं जीत गया गाइस, कोई नहीं है, चाचू को छोड़ा कोई नहीं। हैप्पी फादर्स डे बाबा। ओह थैंक यू बाबा। ओह याद आ रहा
जिनकी फैमिली फ़ोटो है, आई डोंट नो कौन है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे सारे अलग अलग टाइप के किंग्स हैं यहाँ पे जो रहते थे, और बाकी काफ़ी सारा बैकग्राउंड है सच तो आपको पता ही है, वही सारा सामान होता है। सो ये इनका सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी बना हुआ है, इनकी हॉकी स्टिक्स, गोल स्टिक्स। और हाँ, हम सोच रहे हैं गाइस ये फादर्स डे पे बाबा को गिफ्ट कर दें पूरी ऐसी बढ़िया सी, कि बाबा यहाँ रिटायर होकर अपना लेटे रहें और बाबा को यहाँ से अंगूर खिलाते रहें साइड बैठे बैठे, बढ़िया आ जाएगा। और ये नट्स कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ फाउंटेन पेन रखे हुए हैं एंड ऑल्सो इंक पॉट। मतलब अभी हमें एग्जैक्ट प्रूफ तो मिली नहीं है, बट हाँ जो बुक्स की कंडीशन है इन पे लिखा है न्यू एज एंड बे बुक्स। बाकी कमिंग टू द बॉटम पार्ट, मतलब ये बीच का पोर्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हार्वर्ड क्लासिक्स। सो आई थिंक कि हार्वर्ड में इनका कोई सा किंग पड़ा हुआ है या फिर कोई, आई डोंट नो, बट जिनकी लाइक जो बुक्स की इनकी कंडीशन है तो लग रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइक ब्रिटानिका लिखा हुआ है बुक ऑफ द ईयर 1949। अब मैं लाइक खोल को सकता नहीं, पूरा लॉक्ड है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रूफ है। लाइक इन किंग्स की फ़ोटो लगी हुई है, इनकी डॉटर की, एंड अलग अलग हैं। सो बहुत ही पुराने पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप नोटिस कर सकते हो कि हाँ ये अराउंड 150 ईयर्स पुराना फोर्ट है। बाकी डिस्क्रिप्शन की बात करें सो यहाँ पे इनके प्लेइंग कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो कि ऐसे प्लेइंग कार्ड्स होते थे जो भी इन्होंने अपना ये नोट लिख रखा है। सो बहुत ही अलग अलग टाइप की आपको एंशियंट चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अपनी क्लास में हिस्ट्री पढ़ते हो नहीं, अपनी मैम की नहीं सुनते, तो आप हमारे ब्लॉग्स देखिए जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हम आपको ऐसी नॉलेज देते हैं। सी में से इन्होंने बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें कलेक्ट कर रखी। यहाँ पे इनका हेलमेट था, एंड ये आप नोटिस कर सकते हो कि जो हमारी टू ब्रदर्स आई थिंक ऐसी कुछ मूवी थी जिसमें फ्लाइट उड़ाते हैं, सो उसमें ऐसे गॉगल्स पहनते थे। तो हमें पूरा बिलीव हो गया है कि बहुत ही पुराने टाइप का है, हम कितना ही कर लें। आप यहाँ पे इनके मेडल्स देख सकते हो, बैचेस देख सकते हो कि ब्रिटिश रूल के हैं। इन पे स्कीन स्की क्लब लिखा हुआ है एंड ऑल्सो मैसूर साउथ इंडिया। सो ऑल्सो यहाँ पे अलग अलग मॉडल नंबर लिखे हुए हैं बुक्स के, जो कि मेरे को तो नहीं पता, बट जितनी फोटोज आप देख सकते हो एंड डिटेलिंग, सो लग रहा है कि यस बहुत ही पुरानी पुरानी बुक्स हैं। देखते हो किंग एडवर्ड्स डिसेंट, सो यहाँ पे सारे नेम्स लिखे हुए हैं, हेनरी 3, एडवर्ड 1, एडवर्ड 2। आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा वहाँ पे लाइक लूसिफर 1 एंड अलग अलग टाइप के नेम्स होते हैं कि 1, 2, 3। एंड ऑल्सो एक चीज़ नोटिस करने की है, यहाँ पे हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि इंडियंस के लिए यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की। इनका बिल्कुल जो होटल, मतलब ये रिसोर्ट था, एकदम खाली हो गया, तो इन इंडियंस की भी जरूरत थी कि भाई कुछ ना कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो इसलिए इन्होंने इंडियंस के लिए एंट्री ओपन कर दी। अदरवाइज ये सिर्फ ब्रिटिश को अलाउ करते थे, एंड ऊपर मैंने अभी एक दो देखे थे ब्रिटिशर्स ही हैं, मतलब बेसिकली बाहर के जो रहने वाले हैं लुकिंग बाय द फेस, इसलिए हमें लाइक लगा कि यहाँ पे ज़रूर रुकना चाहिए। ये क्या हुआ? चेयर लिए अपना, बाबा को मिले उसमें इन जोक्स में इंटरेस्ट नहीं। बाबा वैसे हमारे घर के अनुपम खेल रहे हैं, है ना बाबा, है ना, कहने में क्या जा रहा है, मजा आता है बाबा, एक ऐसी चेयर ले लो वैसे। बाबा अपना मस्त झूल रहे हैं यहाँ पे। बाबा कुछ हमने बढ़िया सी स्टोरी बताओगे अपने जमाने की? स्टोरी हाँ, कुछ भी बढ़िया सी बता दो ऐसी बाबा, हमारी जनता को सुनना। आज से 30 साल पहले हमारे यहाँ, 40 साल पहले हमारे यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी। अच्छा। और कस्टमर वेट करते थे हमारा माल लेने के लिए। अच्छा माल हमारे यहाँ होता था। यहाँ देख के बोलो। अच्छा। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मतलब बाबा ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमे हुए हैं ना? पूरा इंडिया, मैसूर, बॉम्बे, मदुरई सब। अच्छा, मद्रास सब है, मदुरई भी। अच्छा, मदुरई, ये कहाँ? मीनाक्षी टेम्पल। अच्छा, जो इंडिया का टॉप है। अच्छा, देख लो भाई, वहाँ से भी माल लाते थे, वहाँ टेम्पल बहुत सुंदर है। और एक चीज़ ये भी है कि बाबा हमने कितने पोर्शन में स्टार्ट की थी अपनी शॉप, मतलब बहुत हमने शुरू में स्टार्ट करी थी 10x20 की शॉप, बहुत छोटी सी है ना, 10x20 मतलब 200 स्क्वायर फीट केवल। अच्छा, सो इसलिए चेक वुमेन का स्टोर्स ऑन इंस्टाग्राम, बाकी वेबसाइट और अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है। हाँ, डेवलपमेंट में है भी, मैन का से फिर हमने वुमेन का खोला है। आईफोन लेने में फन नहीं है इनकी तरह। अच्छा। इस चीज में फन, इसलिए ये झूले झूले और अपने घर वालों को झुलाएं और मजे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी बिहाइंड मी एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारी कार्स खड़ी हैं। सो वी आर कमिंग बैक होम। एंड भैया आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? अच्छा, अभी आए हो, सही लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है। और ये कितना पुराना फोर्ट है? ये मेरे ख्याल से 150 साल है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू।
सो वी आर गोइंग बैक टू द होम. दिस इज द फोर्ट. बेसिकली द एंट्रेंस एंड यहाँ पे तोपे रखी हुई हैं. द कैनन, बाकी कैनन कैमरा वाला नहीं बट हमारी जो शूटर बॉल्स होती हैं. सो ये पूरा व्यू आप देख सकते हो कितना लाइक सही है. एज आई टोल्ड यू कि इवनिंग में भी कुछ ना कुछ सरप्राइज है. सो ये हमारा लाइक बाग है, बहुत बड़ा फार्म टाइप है. सो यहाँ पे सारे लाइक अलग अलग टाइप के मैंगोज आपको मिलते हैं, वेदर इट इज बताइए निवेश कौन कौन से, चौसा, दशहरी एंड समथिंग लाइक दैट. सो पूरी फैमिली है मेरे साथ एंड अब हम लाइक अच्छे से अपनी पार्टी करेंगे. इस मैंगो पेटा यहाँ पे लाइक जितने भी सारे खराब मैंगोज आप देख सकते हो रोटन, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. निमिष आम नहीं खाता इसलिए अभी इसे खिला दिया गया जबरदस्ती. निमिष पूछ रहा है कैसे खाना होता है. सो निमिष ने आज पहली बार मैंगो खाया. निमिष आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब मजा आया मैंगो? कितने सालों बाद खाया? फर्स्ट टाइम खाया भाई जिंदगी में, मतलब सोच रहे हो? चूसने वाला मैंगो. अरे हैंडपम्प का एक्सपीरियंस अगर नहीं लिया तो अलग ही होता. डॉगी गाइस, पर आपने देख ही लिया कि पहले क्या हुआ मेरे साथ, तो मैं अब इनके साथ ज्यादा छेड़ूंगा नहीं. सो ये रहे लाइक पूरे लाइक मैंगो के बंचेज हैं अलग अलग साइजेस के एंड अलग अलग कैटेगरीज. चौसा हैं एंड पता नहीं बॉम्बे कौन, लाइक ऐसे नेम्स भी मेरे को नहीं पता बट जितने भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पूरे मैंगो ही मैंगोज हैं. सो ये हमारा मोगली है, मॉडर्न मोगली है. थैंक यू बेटा. विशिंग ऑल द फादर्स हैप्पी फादर्स डे. अगर आपने विश नहीं किया तो ऑब्वियसली कर देना. एंड हमने केक मंगवाया था सो आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया बट स्टिल सरप्राइजेज डू मेक सेंस. एंड ये मैंने हर्षित बेकरी, सो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना. अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मेरे नेम से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा.